अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरस्वती पूजा के मौके पर किसानों और कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा, हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर बेटियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, किसान की मेहनत रंग लाती है, जब धरती पर फसल शान से लहलाती है। सभी को बसंत पंचमी व सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। उन्होंने दूसरा ट्वीट कर कहा, छात्रों के हिसाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वह भेदभाव नहीं करती हैं। हम आपको बता दें, दरअसल कर्नाटक में स्कूली छात्राओं का हिजाब पहनने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उड़ुपी में एक कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर उन्हें स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। हालांकि छात्रों के दो गुटों के बीच हिजाब और भगवा गमछा पहनने का विवाद कर्नाटक हाई कोर्ट में भी पहुँच गया है। वहीं स्कूल के एक छात्रा के अनुसार, हिजाब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे सीनियर उसी कॉलेज में हिजाब पहनकर पढ़ते थे, अचानक ये नया नियम कैसे लागू हो गया। फ्यूचर है, रूल्स बदले ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಸರ್, ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಸಡನ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕಾಗ ಬಿಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. इस पर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बयान दिया है कि किसी भी संस्थान में धर्म को शिक्षा से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ रहे छात्रों को ना तो हिजाब पहनकर आना चाहिए और ना ही भगवा गमछा। वहीं इस मसले पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया मुस्लिम छात्राओं के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिमों का मौलिक अधिकार है, शिक्षा मौलिक अधिकार है, अगर उन्हें स्कूल आने से रोका जाता है, उनके ये मौलिक अधिकार का हनन है।